जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी को लेकर। 15 अप्रैल 2023 को रात 8:45 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 16 अप्रैल 2023 को शाम 6:14 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन श्री हरि की पूजा का समय सुबह 7:32 से शुरू होकर 10:45 तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आप कोशिश करिए कि इसी शुभ मुहूर्त में आप ठाकुर जी को, जिन्होंने भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, ठाकुर जी रखे हैं, उनको स्नान कराइए, उनको अच्छे वस्त्र पहनाइए और उनके स्नान में गंगा जल ज़रूर मिला लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। वैसे भी एकादशी संडे को है, रविवार को, और क्योंकि बैसाख मास की है, गंगा जल, गंगा स्नान तो ज़रूर होना चाहिए। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और गंगा जल से पूजा स्थल को साफ करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को गंगा जल मिलाकर कच्चे दूध में, दही में, शहद में, जैसे भी आप करवाते हैं, पंचामृत बनाकर स्नान ज़रूर कराइए। घर के मंदिर में आज के दिन गंगा जल ज़रूर छिड़किए, पूरे घर में छिड़किए, लेकिन छिड़किए ज़रूर। उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और मंदिर में आप दीप प्रज्वलित करिए। दीपक आपको गाय के घी का जलाना है, और गाय का घी अगर नहीं मिल रहा है तो आपने उपाय के तौर पर आज घी के दीपक में थोड़ी सी केसर डाल के जलानी है। केसर डाल के जलाने से आपका गुरु ग्रह बहुत उत्तम होगा, और केसर वैसे भी हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो केसर डालकर घी में जलाइए अगर गाय का घी आपको नहीं मिल रहा है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लीजिए, पूजा करते हैं तो पूजा का संकल्प लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो जितना मैं आज आपको प्रोसेस बता रही हूँ सिर्फ उतना कर लीजिएगा। दीप जलाने के बाद में आप संकल्प लीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उनको पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि से उनकी उपासना ज़रूर करें। लेकिन उनका स्नान आप तब शुरू करेंगे जब आप दीपक जला लेंगे, क्योंकि दीपक जलाना सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दीप जलाने का मतलब है कि आपके कर्म के साक्षी अग्निदेव हैं। तो आप सबसे पहले अपने पूजा स्थल को साफ करिए, गंगा जल छिड़किए, साफ वस्त्र पहनिए, अपने ऊपर गंगा जल छिड़किए, उसके बाद आप दीपक जलाइए और फिर आप ठाकुर जी की सेवा को शुरू कर दीजिए। इसके बाद जब आपकी पूजा हो जाए, कोशिश करिए आप आज के दिन ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बड़ा ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आप सभी जानते हैं, इसका जाप आप ज़रूर करिए। इसके बाद में आपकी पूजा संपन्न होती है, लेकिन शाम को ना आपको आरती बहुत ज़रूरी है कि आप आरती ज़रूर करिए। आप चाहे तो आरती सुबह के समय भी कर सकते हैं, नहीं तो शाम को आरती करिए, लेकिन करिए ज़रूर। वेद और पुराणों में बताया गया है कि वरुथनी एकादशी व्रत के दिन उपवास का पालन करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साधक को जीवन में धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन माता तुलसी की पूजा करने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, लेकिन इस बार एकादशी रविवार को है और ऐसे में माँ तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वैसे भी एकादशी पर माता तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित माना गया है, ये तो मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्जित क्यों है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, आइए आपको भी बताती हूँ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से हुआ है ना, इसीलिए देव उठनी एकादशी को हम माता तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माता तुलसी प्रत्येक एकादशी पर प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर आप एकादशी पर माता तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो माँ तुलसी का व्रत खंडित हो जाता है और पुण्य की जगह आप पाप के भोगी बनते हैं। अगर आपसे ऑलरेडी ये गलती हो गई है
आपने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको इस पाप से मुक्ति मिल सके। लेकिन आज के दिन माँ तुलसी को आप सुबह सवेरे दीप जलाकर उनके, जहाँ भी माता तुलसी है उनसे थोड़ा सा दूर रखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर ये गलती आपसे हो गई है तो उस गलती की क्षमा मांगनी है। तो जब आप अपनी पूजा से, पूजा आपकी प्रॉपर हो जाए, उसके बाद माँ तुलसी के समक्ष जाकर दीपक जलाइए। दीपक आपने माँ तुलसी के समक्ष कलावे का जलाना है, गाय के घी का इस्तेमाल करिए, नहीं हो तो केसर डाल के घी का इस्तेमाल करिए। आप सुबह सवेरे दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री हरि विष्णु के समक्ष रखकर उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं, अगर आपके घर में माता तुलसी नहीं है तो। माँ तुलसी के समक्ष बैठकर क्षमा याचना भी कर सकते हैं आप, अगर आपके घर माता तुलसी है, और माता तुलसी के नामाष्टक मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता तुलसी के नामाष्टक मंत्र यानी कि 8 नाम है उनके, इनका जाप आपको 108 बार जरूर करना चाहिए। और इनका जाप ऐसे नहीं करना 8 नाम है तो पहले एक नाम का 108 कर लिया, दो नाम का 108 कर लिया, नहीं ऐसे नहीं करना। जब आप माला जाप करेंगे तो जब आप माला जाप करते हैं, सबसे पहला जब आप माला का जाप शुरू होता है तो आपको 108 वहां पूरे करने हैं, फिर जब आप दूसरे माले के मनके पर पहुंचेंगे तब आपको 108 करना है। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर गलती से भी आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो आज ऐसा कर लीजिएगा। आज के दिन ऐसा करने से अगर किसी भी प्रकार का पाप आपसे जाने अनजाने हुआ है ना, तो आपको उस पाप से मुक्ति मिल सकती है, इसीलिए बहुत खास है ये। तो अब आप पेपर और पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए क्या करना है आपको, कौन से वो 8 नाम हैं माता तुलसी के जो आपको पाप का भोगी बनने से बचाते हैं। वृंदाय नमः, वृंदावन्ये नमः, विश्व पूजिताय नमः, विश्व पावन्य नमः, पुष्प साराय नमः, नंदिन्ये नमः, तुलस्य नमः और कृष्ण जीवन्य नमः। ये 8 नाम हैं माता तुलसी के। अगर आपसे जाने अनजाने किसी भी प्रकार का कोई पाप हो गया है, आपको लगता है आपसे गलती हो गई है, तो आप इन 8 मंत्रों का जाप, 8 नाम के मंत्र का जाप आप 108 बार आज के दिन ज़रूर करिए। माता तुलसी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं, नहीं तो जब आप ठाकुर जी का पूजन करेंगे, श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे, उनके समक्ष बैठकर ही आप इसका जाप कर लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जब आपका जाप पूरा होगा, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपको मानसिक अशांति ख़त्म हो जाएगी। और इसका परिणाम, एकादशी का व्रत हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हम अपने भगवान के समीप जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भगवान से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे, है ना। तो अगर आज आप ऐसा करते हैं तो प्रभु श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद, माता तुलसी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है। क्योंकि आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि कुछ लोग हमें कह रहे हैं तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, एकादशी पर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, मैंने आपको वो वजह भी बता दी है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, तुलसी को तोड़िए भी मत, ये भी बहुत ज़रूरी है कि तुलसी माता को तोड़ा नहीं जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तुलसी विवाह आपने देखा ना शाम के समय होता है, क्योंकि जल तो चढ़ता नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी, और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नीचे कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु या जय माता दी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके अंदर से आवाज़ आए ना, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम हर किसी के कमेंट्स चेक करते हैं। और फिर लाइव में जब भी मैं आपके साथ जुड़ूंगी तो जिसके कमेंट्स रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगी, हम उनको लाइव में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी ही लेकर आऊँगी जानकारियाँ बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी खास खास। जय माता दी।